लाइव दर्शन बद्री बाबा के। ये है भाई इनका घर, और ये अपना इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं गार्डन में इनके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ भगवान। तो स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ आपका होस्ट यतीश वेदी। तो गाइस भाई झरना अभी भी ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही रहता है, लेकिन भाई बहुत ठंड हो रखी है यार, गले बैठ, और मेरे को भी मतलब लग रहा है कि यहाँ पाँव में दर्द है, और हाँ गला बैठ, क्योंकि भाई ठंड बहुत है। मतलब जितने गर्म कपड़े हो सकते ना उतने गर्म कपड़े लाओ। बादल बनने स्टार्ट हो गए हैं ठंड के, उसमें ज़्यादा, और बारिश भी आने लग गई है। वो देखो वहाँ बन रहे हैं बादल, और ये सब इकट्ठे हो गए। देखो ऊपर देखो कैसा माहौल हो गया है, वहीं जाना है हमको। और भाई मेरे को ये झरना सीनरी भाई मज़ा, माँ कसम एक नंबर लग रही है। वहाँ बैठे हैं हमारे बद्री विशाल बाबा, और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है, बाहर तक लाइन आई हुई है। देखते हैं बाबा कितनी देर में दर्शन देंगे और मैं कितना कवर कर पाऊंगा। और शाम को आपको दिखानी होगा, ये है अलकनंदा माँ, और बिल्कुल साइड में है तपत कुंड। यहाँ बिल्कुल ठंडा पानी है और वहाँ बिल्कुल गर्म पानी है, और आप भीड़ देख सकते हो। माना से जो चूरमा लाए थे वो मछलियों के लिए डालते हुए साहिल बाबा, डाल दे भगत जी डाल दे, लाए एक लाडू हम नवी दिए। जय हो, मछलियों के लिए चूरमा डालते हुए हरियाणा का देसी घी का। शाबाश, ये है मेन गेट, और ये है जिन हमारे बुजुर्ग महिलाओं दादा दादी को जिनसे दर्शन नहीं होते, वो ऐसे भाई के लेके जाते हैं इनको ऊपर। डू मैं हरिद्वार में कद डूडू बद्रीनाथ धाम में, गल गल मेरा नाम लटू। ये है भाई बद्री विशाल का गेट, और भीड़ देख लीजिए आप। ये ऐसे फोटो उतारने का बोलेंगे, आप अपना फोन लेके फोटो उतार सकते हो, फोन में बहुत बढ़िया फोटो आती है। एक जगह तो पुलिस वाली मैडम ने बोला कि यहाँ फोटो मत बनाइए ना, वहाँ बनाइए, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अदा भीड़ भाई, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, और अभी चल ही रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ से, अगर कष्ट निवारने हैं बाबा से तो भाई दुख सहने पड़ेंगे, कष्ट सहो दुख से निवारण पाओ। लाइन भाई बढ़ती जा रही है, और कम से कम 3 किलोमीटर के आसपास लाइन में मैं आ गया हूँ, और बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। वाह, वो तो मोड़ ही नहीं दिख रहा, और पीछे भी लगते ही कितनी लाइन होगी। इसका एक सिक्का और 100 के 12 सिक्के। वाह बाबा वाह, बद्रीनाथ जी के हैं, बद्री विशाल जी के भी लाइन है। तो भाई लाइन की गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, ये सबसे गलत है भाई। अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो दिल से करो ना, आदमी से नजर चुरा सकते हो, ऊपर वाले से कैसे नजर चुराओगे। गा कौन सा रहा है, गा कौन रहा है गाना, ये है भाई इनका घर, और ये अपना इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं गार्डन में इनके। घूम ले कालो, फाइनली बाबा के दरबार में थे, और अब अंदर क्योंकि कपाट बंद हो जाएंगे आधे घंटे में, तो फिर 1 घंटे में खुलेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ सब लोग बाबा से विनती मांग रहे हैं,
कोई फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, जन्नत में हमारे बाबा बैठे हैं और वो रहे केदारनाथ दर्शन वाले। जय हो। हो रही मंदिर की पहली झलक बाबा की। किसे भाई 8-10 फुट हाइट हो तो भाई वो बजा दियो, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हनु बाबा लाइव दर्शन बद्री बाबा के, बद्री विशाल जी के। महालक्ष्मी मंदिर वो बाबा दर्शन दे दे तोड़ा, मन आग जाना से दर्शन दे दे रे। जय श्री बद्री विशाल। दर्शन भाई बहुत बढ़िया हुए हैं और शायद तक जहाँ तक है वीडियो भी बनी हो तो बनी हो, लेकिन मैंने ट्राई पूरी की थी तो ये मिला है अंदर प्रसाद का बोल रहा है। अब देखते हैं कि दर्शन कैसे हुए। मजा आ गया जितनी भी थी। बद्री विशाल के साइड में ये है मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। और फिर नर नारायण मंदिर। आएगा नहीं ना बीच में तो। और फिर है हमारे चित्तरवाल घंटा घर। बढ़िया दर्शन हुए भाई, बहुत खुले दर्शन हुए, बहुत आराम से दर्शन दिए बाबा ने। तो भाई अब चप्पल पहन के चलते हैं बाहर और इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय केदारनाथ, जय बद्री।